आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे पर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने हमला किया है और दावा किया है कि इस रैली में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता रैली में शामिल नहीं होगी, वहां तो केवल सरकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मलिक का दावा है कि हरियाणा में एकतरफा कांग्रेस का माहौल चल रहा है और 2024 में कांग्रेस की जीत होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि अमित शाह की 29 जनवरी को जन उत्थान रैली होनी है जिस पर सियासत हो रही है। जगबीर सिंह मलिक जी हमारे साथ है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि गठबंधन सरकार जिस तरह से हरियाणा में चल रही है और 2000 अभी जो चुनाव लोकसभा का है और आगे विधानसभा के होने वाले हैं, तो क्या बोलना चाहते हो जो 2024 का सब इंतजार कर रहे हैं? 2024 में साफ है एक तरफा जो है ना माहौल बना हुआ हरियाणा में, तो एक तरफा माहौल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस ढंग से आज राजीव गांधी राहुल गांधी की यात्रा जो चली है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो लोगों का जोश था, जो लोगों का सिस्टम था, उससे स्पष्ट है आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का है। और जेजेपी इनलो तो है नहीं, मुकाबला बीजेपी से होगा, लेकिन बीजेपी भी बैकफुट पर है। बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार जो यहाँ पर जो एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस ढंग से गरीबों पर मार करी, किसानों पर मार करी, तो इसलिए लोग खफा है। आज ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। आज कोई वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी धरातल पर जाए। अच्छा, जिस तरह से अभी जो है अमित शाह की रैली गोहाना में होने वाली है और जो बीजेपी जो है तैयारियां कर रही है चुनाव को लेकर, क्या मानना चाहते हो, कामयाबी मिलेगी? देखिए, अमित शाह की रैली गोहाना में जो की जा रही है वो मैं नहीं समझता। मैंने देखा यहाँ किसी में भी कोई उत्साह नहीं है, लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे इस रैली को। और जहां तक मेरा विचार है, जहां तक असलियत ये होगी कि ये सिर्फ कर्मचारियों की रैली बनकर रह जाएगी, इसमें हर विभाग के कर्मचारी बुलाए जाएंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। ये सरकारी मशीनरी का जो है ना बसें और आरटीओ फलाना, इस ढंग से सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा और सिर्फ कर्मचारियों की रैली होगी, न कि आम पब्लिक की रैली होगी। सोनीपत से गोहाना के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने बताया है कि यह जो अमित शाह की रैली होने वाली है यह केवल कर्मचारियों की रैली होगी, इसमें आम जनता का कोई सरोकार नहीं होगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।